हमारे चैनल फिन स्टेट पे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्रिप्टो न्यूज। जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले हम नजर करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस का क्या हाल है। तो आज यानी कि अगस्त 13 को जो बिटकॉइन है वो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, वहीं इथेरियम भी आज का बिगेस्ट गेनर बन चुका है। बाइनांस ने अपने 83% जो स्टॉलन फंड्स थे उनको कर लिया है रिकवर कर्व फाइनेंस प्लेटफॉर्म के DNS अटैक। OpenSea प्लेटफॉर्म ने जो NFT जो स्टोल हो गए थे, जो चोरी हो गए थे, उसके लिए अपनी पॉलिसी को चेंज किया ताकि यूजर्स को एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये तो थी आज की न्यूज हेडलाइंस। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर के साथ जो जुड़ी है क्रिप्टो मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट के प्राइसेस। तो क्रिप्टो करेंसी आज एक बार फिर से ग्रीन में ट्रेड करता हुआ नजर आया। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप जो है वो आज लगभग $1.17 trillion तक पहुंच चुकी है। तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 18.36 lakh तक पहुंच गया है सैटरडे मॉर्निंग को ही। इसके साथ ही 0.01% का जो मुनाफा है, जो इंक्रीमेंट है, वो हुई है एक दिन में। तो आज के जो क्रिप्टो मार्केट के प्राइस है वो कुछ इस तरह है। स्क्रीन पर आप डेटा देख सकते हैं जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसीज है उनके जो प्राइसेस है ये आप चार्ट में देख पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस जो प्लेटफॉर्म है वो हेल्प कर रहा है क्रिप्टो एसेट्स को रिकवर करने में, जिनकी कीमत थी लगभग अबाउट $4,50,000 जो स्टील हो गए थे, चोरी हो गए थे फ्रॉम कर्व फाइनेंस के यूजर्स से। तो अब ये जो फंड है ये रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट 83% टोटल अमाउंट जो कि स्टोलन फंड्स की है इनके यूजर्स की, जो कि चोरी हो चुके थे। तो बाइनांस जो है वो हेल्प कर रहा है रिकवर करने में। चेंगपेंग जाओ जो कि ऑनर है, उन्होंने ट्विटर पर एक अपडेट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्व फाइनेंस के जो हैकर हैं उन्होंने एसेट्स को भेजा है बाइनांस में यूज करके डिफरेंट टेक्निक्स को, ताकि जो एक्सचेंज की सिक्योरिटी है उसको बाईपास किया जा सके। लेकिन हाल फिलहाल जो कंपनी है उसने आइडेंटिफाई कर लिया है ट्रांजेक्शन्स को एंड इसके साथ ही उन्होंने इस एसेट्स को फ्रीज भी कर दिया। सीजेड के अकॉर्डिंग जो बाइनांस है वो रिटर्न करेगा रिकवर $4,50,000 की जो अमाउंट है विक्टिम को, जिनके जो यूजर्स ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और उनके जो पैसे हैं वो चोरी हो गए थे उनको दोबारा से ये वापस किए जाएंगे। तो जी जो एक्सचेंज है करंटली ये काम कर रही है अपनी एक लॉ एनफोर्समेंट के साथ ताकि इस चीज को किया जा सके, ताकि यूजर्स को उनका जो पैसा है वो वापस किया जा सके। तो इसके साथ ही अगली खबर जो जुड़ी है NFT से, NFT स्कैम्स जो है वो भी बहुत ज्यादा आज के दिन में बढ़ चुके हैं। NFT में भी स्कैमिंग काफी ज्यादा फैल रही है। तो Web3 जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरह से मजबूर हो चुके हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है और अपने जो स्टोलन एसेट्स हैं उनको मैनेज करना पड़ रहा है। तो एज यूजुअल लार्जेस्ट NFT मार्केट प्लेस है OpenSea, उसने एक Web3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है, उसको रिकवर करने का जिम्मा उठाया है। बट इसकी जो पॉलिसी होगी वो होगी ब्लॉकिंग फ्लैग को लेकर के, फ्लैग्ड एसेट्स को लेकर के। इसको काफी ज्यादा बैकलैश मिली है, काफी ज्यादा लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो भी मिली है। स्पेशली उस चीज का इनको जो लाइमलाइट है ये तब आया लाइमलाइट में जब इसने उन यूजर्स को पनिशमेंट दे दी जो कि जिन्होंने गलती से जो स्टोलन NFTs है वो परचेज कर लिए थे। तो इसके रिस्पॉन्स में जो OpenSea है उसने ट्विटर पर एक अनाउंसमेंट की थी वेडनेसडे को, उन्होंने कहा था वो एक जो तरीका है NFT एसेट्स को हैंडल करने का जो वे है उसको वो अब चेंज करेंगे ताकि जो बेटर फैसिलिटी है यूजर्स को वो प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ ही कुछ केसेस में जो परचेजर हैं वो अननोइंगली जाने अनजाने में उन्होंने वो स्टोलन आइटम्स को बाय कर लिया था, खरीद लिया था और उनको भी जाने अनजाने में पनिशमेंट दी गई है, उनको भी पेनलाइज किया गया था। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इशू है जो इस प्लेटफॉर्म में इस वक्त ये फेस कर रहे हैं। एंड जो OpenSea प्लेटफॉर्म है उन्होंने भी इस चीज को एक स्टेटमेंट में कहा है कि उनके लिए काफी ज्यादा ये एक डिफिकल्ट इशू है जो वो इस वक्त फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो इस चीज को, इस इशू को काफी सीरियसली ले रहे हैं एंड एक्टिवली वो यूजर्स की जो लोगों की जो भी फीडबैक्स हैं उनको वो सुन रहे हैं
एंड इस बात पर काम कर रहे हैं कि किस तरह से ये इसे टैकल करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी नोट करने वाली है, उन्होंने ये बोला है कि अगर जो ओपन सी है वो ब्लॉक कर देता है अपनी एबिलिटी को बाय करने की, सेल करने की या फिर ट्रांसफर करने की सिलेक्टेड एनएफटीज को अपने ऑन मार्केट प्लेस पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजर्स को प्रिवेंट करेंगे उनकी ट्रांजेक्टिंग से, जो कि वो कहीं भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। अगर वो गलत जगह पे ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो उस चीज से वो उन्हें नहीं बचाने वाले हैं। अपनी उनकी जो एनएफटीज होगी यूजर्स की, वो उनके ही वॉलेट में रहने वाली है एंड वो उसको यूज कर सकते हैं, मार्केट प्लेस को यूज कर सकते हैं, उन मार्केट प्लेसेस को भी यूज कर सकते हैं जिनकी डिफरेंट पॉलिसी होगी। एंड सिमिलरली उनको फ्लैग नहीं किया जाएगा, उनको एक रेड फ्लैग नहीं दिखाया जाएगा जो एसेट्स स्टोलन होंगे, जो चोरी के होंगे। तो यहाँ पे अगर वो गलती से भी बाय कर लेते हैं तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। तो ओपन सी ने ये बात बोली है कि वो वर्क कर रहे हैं इस चीज को लेके, अदर वेब थ्री प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं ताकि इस चीज को, इस इम्पैक्ट को, जो एनएफटी स्कैम्स का इम्पैक्ट इस प्लेटफॉर्म पर पड़ा है, उसे मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके और साथ ही एक बेटर फैसिलिटी, बेटर एजुकेशन अपने यूजर्स को वो प्रोवाइड कर सके रिगार्डिंग स्कैम, ताकि दोबारा से ये जो प्रॉब्लम है ये यूजर्स को ना फेस करनी पड़े। हालांकि हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है वो तो वोलेटाइल है, उसके प्राइसेस कभी बढ़ रहे हैं तो कभी गिर रहे हैं, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी को अभी नीचे गिरता हुआ ही देखा जा रहा है। ऐसे में एनएफटीज का जो यूज है वो लोग काफी ज्यादा करना पसंद कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज, ये थी आज की खबर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फिनस्टेट के साथ। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।